गायघाट प्रखंड मुख्यालय के मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह और आगामी 30 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी के निर्देशानुसार 30 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनाना है उसकी सफलता के लिए कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें सभी साथियों ने मजबूती से इस किसान आंदोलन के समर्थन में ये जो मानव श्रृंखला बनाना है उसके लिए एकजुटता से एक साथ हम लोग महागठबंधन के भी साथी मौजूद हैं, कांग्रेस के, सीपीआई के, भाकपा माले के भी साथी मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। सब लोगों ने मजबूती से 30 तारीख को जो महागठबंधन के द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण करना है, गायघाट के कोने कोने में मानव श्रृंखला का निर्माण करके और हम लोग अभूतपूर्व ये जो मानव श्रृंखला बनाना है उसका निर्माण करके बताएंगे। हम गायघाट में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, यहाँ जिस तरह से यहाँ के आम आवाम ने जो मुझे जवाबदेही और जिम्मेदारी सौंपी है, जिस विश्वास के साथ उन्होंने जो परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन की कसौटी पे मैं खड़ा उतरूंगा और गायघाट को विकास की पटरी पर लाना और यहाँ से भ्रष्टाचार को मिटाना हमारी प्राथमिकता होगी। जिस तरह से आज गायघाट हमारा जो विधानसभा है ये कोसों विकास से महरूम है, दूर है। यहाँ के जो पूर्व के जनप्रतिनिधि उन्होंने सिर्फ अपना विकास करने का काम किया, आज भी हमारी गायघाट की भोली भाली जनता विकास से महरूम है। आज कोई ऐसा पंचायत नहीं जहाँ संपर्क पथ और पहुँच पथ का अभाव न हो। एक बारिश हो जाए तो लोग अपने घर तक नहीं पहुँच सकते। निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे और जो जवाबदेही और जिम्मेदारी मिली है उस पर खड़ा उतरें। पार्टी से विधायक थे, अभी तो पार्टी ने इनको हटाने का काम किया, निष्कासित करने का काम किया, गलत काम किया, निष्कासित करने का काम किया। क्या कुछ कर रहे थे, ठेकेदारी वाली बात कर रहे थे, ठेकेदारी की बात कर रहे बता रहे थे ना, पूर्व में जो विधायक थे उनके पुत्र, हाँ पूर्व के जो विधायक थे तो खुद विधायक थे और पुत्र उनके ठेकेदार, तो वो उनका ठेकेदारी वो करते थे। आज देखें कि क्या स्थिति, अभी तो कहें कि यहाँ के हमारे जो बिहार, हमारे जो गायघाट की स्थिति है, बिहार में बहुत ही पिछड़ा विधानसभा के रूप में अगर देखा जाए, पूरा इसका आकलन किया जाए तो आपको नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ के जो लोग, यहाँ हमारा जो बागमती नदी है, एक वो भी कारण है, उसके कटाव की वजह से भी बहुत सारी परेशानियाँ और फसल और यहाँ के जान माल का नुकसान होता रहा है। उन पर भी हम लोग उसको निश्चित रूप से दूर करने के लिए और उस पर रणनीति बना करके काम करेंगे। ठेकेदारी वाली बात जो है वो बंद हो गई कि चल रही रहा, तो जब कुछ ही बंद हो गए तो फिर आगे देखते हैं। अभी तो सर एक सवाल, अभी सर रोड को लेकर के सर कंप्लेन किया गया, लेकिन कंप्लेन बार बार करने के बाद भी उस पर कोई सुनवाई ना तो आरईओ के द्वारा किया जा रहा है ना पंचायती राज विभाग के द्वारा, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो जहाँ कमी है उसकी जानकारी हासिल करके उसको दूर किया जाएगा। नहीं, विभाग में जो अधिकारी हैं उनके पास जब भी कोई कंप्लेन जाता है तो वो केवल टाल मटोल की ही बातें करते हैं, कोई एक्शन नहीं होता, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता है। उसको देखेंगे जो काम नहीं होगा विधानसभा में आवाज उठाएं। उम्मीद है इस बार कार्रवाई होगी।